ऑनलाइन गेमिंग ने और एक जान ले ली। गेम का टास्क पूरा करने के लिए पुणे के 10वीं के एक छात्र ने 14वीं मंजिल से छलांग लगा दी, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ इलाके की रुणाल गेटवे सोसाइटी। 16 साल का उमेश अपनी माँ और छोटे भाई के साथ यहाँ रहता था। पिता नाइजीरिया में जॉब करते हैं। 26 जुलाई की रात को उमेश खाना खाने के बाद अपने कमरे में गया और फिर आधी रात को 14वीं मंजिल से छलांग लगा दी। मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को खबर दी गई। उमेश की माँ ने पुलिस को बताया कि उनके बेटे को 6 महीने से गेम की लत थी। खाना पीना भूलकर खुद को घंटों कमरे में बंद रखता था, अकेले बातें करता था। एक 16 साल का जो बच्चा है माइनर, उसने 14 माले से कूदकर अपनी जान दी है। उसके इन्वेस्टिगेशन में प्राइमरी इन्फॉर्मेशन ये हमारे सामने आ रही है कि वो कुछ टाइप के गेम खेल रहा था। उमेश के कैमरे से बिल्डिंग के 3 डिजाइन मिले। एक में अपार्टमेंट और गैलरी से कूदने का टास्क बना हुआ दिखाई दे रहा है। गेम की कोडिंग भाषा में लिखे कई और कागज भी मिले हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गेम के बारे में और टास्क के बारे में पता लगा रही है। उन लोगों को भी खोजा जा रहा है जिन्होंने गेम बनाया और खुदकुशी के लिए उकसाया। इस मामले को ब्लू व्हेल गेम से जोड़कर देखा जा रहा है। ब्लू व्हेल गेम 2017 से भारत में बैन है। इस गेम की वजह से 2019 के एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस, यूक्रेन, भारत और अमेरिका में 100 से ज्यादा बच्चों की जान गई है। आईपीएस अफसर के घर की टंकी में पानी खत्म हुआ तो फायर ब्रिगेड का टैंकर बुला लिया। मामला देहरादून का है। पूरी खबर देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। फायर ब्रिगेड का ये टैंकर आग बुझाने नहीं पहुंचा था, वो तो आईपीएस अफसर के घर की पानी की टंकी भरनी थी। वाकया देहरादून के इसी कैनाल रोड का है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र कैडर की सीनियर आईपीएस ऑफिसर अर्चना त्यागी का घर है, जहां पानी की कमी हो गई थी। उत्तराखंड में तैनात एक अधिकारी आगे आई और पानी सप्लाई करने फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई, जिसकी किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। लिहाजा एबीपी न्यूज वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। 1993 महाराष्ट्र कैडर की आईपीएस अर्चना त्यागी डीजी रैंक की अफसर हैं। वैसे बताया जा रहा है कि वीडियो जून महीने का है, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि अगर ऐसे वक्त में कहीं आग लग जाती तो क्या होता। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।